children, welcome back to today's music class. Hi, I am Bhagyashri, your music teacher. So, let's start today's class. First of all, as usual, start with prayer, Guru Brahma and Vakratunda Mahakaya. First Vakratunda Mahakaya and then Guru Brahma, Guru Vishnu. Are you ready? Sit straight, close your eyes, join your hands and get ready for prayer, Vakratunda Mahakaya. Ready? 1, 2, 3, start. Vakratunda Mahakaya Surya Koti Samprabhu Purvignam Purve Deva Sarvakala Brahma Guru Vishnu Guru Deva Maheshwara Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Guru Namaha Om Shanti Shanti. Slowly open your eyes. So, last period में मैंने आपको एक patriotic song सिखाया था, याद है? I hope कि आपने उसकी practice की होगी. तो इस period में पहले हम उसकी revision लेंगे, फिर से एक बार screen पे देखो, वो patriotic song की lyrics यहाँ पे है, उसको देख के फिर से एक बार हम उसकी practice करेंगे. Are you ready for practice with guitar? Because of कि गिटार पर हम क्या कर सकते हैं कि बीट के साथ गा सकते हैं कि मैं एट ए टाइम हारमोनियम और बीट ये दो नहीं कर सकते, इसलिए आज हम सिर्फ गिटार पर मैं आपको बीट के साथ कैसे गाना है ये सिखाऊंगी. सी गिटार में जो स्ट्रिंग बजता है उसमें बीट जो रहते हैं रिदम पैटर्न वो भी रहता है. सी इसमें बीट और उसका स्पीड और वो जो टाइमिंग होता है वो मेंटेन करना होता है. तो आज हम यही पेट्रोटिक सॉन्ग जो है वो बीट के साथ, आप अपने हाथ पर टैप करके बीट पकड़ सकते हैं या पांव से बीट पकड़ सकते हैं लाइक दिस. रेडी? देश से है प्यार तो ये कहना जरूरी है कि मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए. सो आर यू रेडी? 1, 2, 3 स्टार्ट. फर्स्ट हमिंग 1, 2, 3 स्टार्ट. Bye.
है या आपको घर में इसी तरह से बिप पर प्रैक्टिस करें, मैंने सिंपल स्टेप में आपको ये बिप पर कैसे गाना है ये सिखाया है, तो इसी तरह से जब आप कोई भी गीत गाते हो तो उसको उसमें बिप भी अरेंज किया होता है, तो उस बिप के साथ ही एक टाइमिंग का बाउंडेशन होता है, उसी में वो गीत उसकी रचना की होती है, तो उसी के साथ आपको गाना होता है। जैसे हमने राग में सीखा है कि ताल और बंदिश ये दोनों एक साथ होते हैं, वैसे ही हर एक गीत में रिदम पैटर्न होता है, लेकिन वो आपको अपने हाथ पर ताली देके बिट टैप करके और उसमें आपको वो जो गीत है वो गाना होता है। सो अब हम आगे जाएंगे, आज मैं आपको आज के इस पीरियड में मैं आपको थाट के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। थाट आपने सुना है, ये वर्ड कहाँ सुना है? मैंने आपको राग भूप सिखाया था। सो राग भूप कहाँ से क्रिएट हुआ है? थाट कल्याण, आपने सुना होगा, याद करो, थाट कल्याण ये वर्ड आपने सुना है, थाट कल्याण। तो ये जो थाट है ये थाट कहाँ से आया है, कैसे है, तो इसकी इंफॉर्मेशन मैं आज इस पीरियड में आपको देने वाली हूँ। थाट के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। स्क्रीन पे देखो, थाट, थाट इज अ पैरेंट स्केल इन नॉर्थ इंडियन और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है या कर्नाटक म्यूजिक, दो पार्ट्स है, तो इन दोनों में ही थाट ये आता है। थाट मतलब पेरेंट स्केल है, जहां से क्रिएट होता है, जहां से जन्म होता है, जन्म मतलब जन्म लेता है, तो उसको पेरेंट्स, जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं जिनसे हमने जन्म लिया है, वैसे ही थाट का मतलब है पेरेंट स्केल। द कंसेप्ट ऑफ द थाट इज नॉट एग्जैक्टली इक्विवेलेंट टू द वेस्टर्न म्यूजिकल स्केल बिकॉज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ थाट इज नॉट एज अ टूल फॉर म्यूजिक कंपोजिशन। थाट का मतलब है ये जो थाट होता है इसमें म्यूजिक कंपोजिशन नहीं होता, ये जो थाट होते ये गाए नहीं जाते। इसमें से क्या होता है कि जो राग बनते हैं, हमने राग सीखा है राग भूप, तो ये जो राग क्रिएट होता है ये थाट से क्रिएट होता है। बट रैदर एज अ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ राग्स, मतलब ये जो थाट होते हैं इनसे रागों की निर्मिति होती है, रागों का जन्म होता है, इसीलिए सिर्फ इतना ही ये जो थाट होता है इसका मीनिंग इतना ही है कि इतने से रागों की निर्मिति होती है। मैंने इससे पहले भी आपको कहा था कि सुर कितने हैं, सात और पांच मिलके 12 सुर है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में। तो ये जो 12 सुर है, इन 12 सुरों में ये जो म्यूजिक का वर्ड है, ये जो म्यूजिक कंपोजिशन है, इतने सारे गाने बनते हैं या इतना सारा म्यूजिक क्रिएट हुआ है, ये सिर्फ कहां से क्रिएट हुआ है, इतने 12 सुरों में से। तो ये कैसे हुआ ये आगे आगे आपको समझ में आएगा। फर्स्ट थाट, थाट तो इसी से क्या होता है, रागों की निर्मिति होती है। सी पंडित भातखंडे, ये आपने नाम सुना भी होगा, कभी सुना होगा कि पंडित भातखंडे, विष्णु नारायण भातखंडे, ये बहुत बड़े संगीतज्ञ थे 20th सेंचुरी में। उन्होंने क्या किया कि पूरा भारत में वो घूमे, हर एक जगह से उन्होंने म्यूजिक के बारे में इंफॉर्मेशन ली। इसके अलावा वो यूरोप में भी गए, वहां का भी उन्होंने संगीत का अध्ययन किया, और इस पर से उन्होंने फिर से भारत में ये जो आज हम संगीत सीख रहे हैं स्कूल में या हर जगह पे, म्यूजिक का उन्होंने एक सिलेबस तैयार किया, हर एक स्कूल में सिखाने लायक सिलेबस।
पंडित भातखंडे जी ने शुरू किया। उन्होंने ही इस तरह से गांधर्व महाविद्यालय के थ्रू ये जो एग्जाम्स होते हैं, इनका जो सिलेबस होता है वो पुस्तक के रूप से उन्होंने समाज के सामने रखा है। पहले के जमाने में क्या होता था कि अगर आपको संगीत सीखना है तो आपको क्या करना पड़ता था कि गुरु के गृह, मतलब गुरु के घर जाके आपको म्यूजिक सीखना होता था। तब उस वक्त गुरु या स्कूल में म्यूजिक सिखाया नहीं जाता था, तो गुरु के घर जाके जो भी संगीतज्ञ है उनके घर जाके घर में रह के ये जो संगीत की साधना थी वो करनी पड़ती थी। उनके साथ ही रह के वो संगीत सीखा जाता था, और वो भी कैसे, उसका कोई लेख ही नहीं था, लिख के वो संगीत कभी उन्होंने सीखा नहीं था। जो गुरु सिखाते थे वही सुन के उन्हीं के साथ गा के ये जो संगीत था वो सीखा जाता था। लेकिन पंडित भातखंडे जी ने क्या किया कि हर एक इंसान के पास संगीत पहुंचना चाहिए, इसलिए उन्होंने जो भी म्यूजिक है वो उसको पुस्तक के रूप में रिटन में उन्होंने उसका समाज के सामने प्रस्तुत किया, और उसी थ्रू उन्होंने हर एक को संगीत सीखने का मौका दिया। आज जो हम सीख रहे हैं इस तरह से, ये जो सब आज लिखी रूप में हमारे सामने है, ये पंडित जी ने ही हमारे लिए किया है। तो पंडित जी ने क्या किया, पहले जो गांधर्व था उससे पहले भी बहुत सारे संगीतज्ञ, शारंग देव, भरत मुनि, ये जो संगीतज्ञ थे ये कर्नाटक म्यूजिक से थे। कर्नाटक म्यूजिक जो था वो पारंपरिक म्यूजिक है, लेकिन जो हिंदुस्तानी आज हम सीख रहे उत्तर हिंदुस्तानी संगीत, इसमें जो व्यक्ति है उसके हिसाब से संगीत में चेंजेस आने लगे। हर एक व्यक्ति ने अपने आविष्कार उसमें, अपने क्रिएशन उसमें डाले, और इसी तरह से म्यूजिक में थोड़े थोड़े चेंजेस आने लगे और म्यूजिक के दो पार्ट्स बन गए, हिंदुस्तानी म्यूजिक और उत्तर हिंदुस्तानी म्यूजिक और कर्नाटक म्यूजिक। ये जो शारंग देव थे इन्होंने भी थाटों की उस वक्त निर्मित की थी, माता पिता राग, उन्होंने नाम दिया था माता पिता राग, और उसे जन्य राग जो थे पुत्र राग, पुत्र वधु राग, पुत्री राग, इस तरह से उन्होंने नाम दिया था। लेकिन पंडित जी ने उन्हीं सभी का अभ्यास करके सिर्फ 10 थाटों की निर्मित इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में किया है। अब ये जो 10 थाट है ये कौन से है, देखो आसावरी। अब जो 7 सुर है, सुर कितने हैं, 7। सुर कितने हैं, 7। कौन से, सा रे ग मा पा धा नी एंड, ये जो सा है ये कौन सा है, ये तार सप्तक का सा है। तो ये जो 7 सुर है इनके अलावा और कौन से सुर है, 7+5, ये जो 5 स्वर है इसके बारे में भी मैंने आपको सिखाया था। ये 7 जो है ये इनको क्या कहते हैं, शुद्ध स्वर, क्या कहते हैं, शुद्ध स्वर। शुद्ध स्वर मतलब कौन से, सा रे ग मा पा धा नी, ये जो स्वर है शुद्ध। लेकिन इन्हीं स्वरों में से जो 5 स्वर है उनको क्या कहते हैं, विकृत स्वर। विकृत स्वर और नोट, तो ये जो विकृत स्वर है ये कौन से स्वर है, सी सा ये स्थाई स्वर है, मतलब ये हिलता नहीं अपने जगह से। लेकिन जो रे है ये विकृत स्वर है, और ये जो विकृत स्वर इनमें भी पार्ट्स है, कौन से पार्ट्स है, दो पार्ट्स है, ये है कोमल और तीव्र। इसके बारे में इससे पहले मैंने आपको सिखाया था, फिर भी एक बार हम इसका रिवीजन लेंगे।
ये जो स्वर है ये पूरे क्या है, शुद्ध स्वर है, और जो विकृत स्वर है, जो फाइव स्वर है, ये जो रे है ये अपने जगह से नीचे जाके क्या होता है, इसका साउंड चेंज होता है, तो ये कौन सा होगा, कोमल रे। ग जो है ये भी क्या होता है, अपने स्थान से नीचे जाके ये भी क्या होता है, इसका साउंड चेंज हो जाता है। म जो है, म अपने स्थान से क्या होता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, इसलिए ये भी क्या है, तीव्र विकृत स्वर है। और ध प भी प अपने स्थान से हिलता नहीं, सा और पे प ये स्थिर स्वर है, लेकिन ध जो है ये ध अपने स्वर से क्या होता है, नीचे उतरकर इसका साउंड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और नी भी अपने स्थान से नीचे जाके इसका भी साउंड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब शुद्ध स्वर और विकृत स्वर, ये इनको समझने के लिए, इनको पहचानने के लिए भातखंडे जी ने इन पर अपनी एक लिपि उन्होंने तैयार की है, और उस लिपि में जो स्वर अपने स्थान से नीचे जाते हैं, कोमल बनते हैं, उनके नीचे उन्होंने इस तरह से डैश किया है। इसका मतलब जो इनके नीचे डैश हुआ है, इसका मतलब है कि ये स्वर अपने स्थान से नीचा जाके ये क्या कहलाते हैं, कोमल स्वर, और जो अपने स्थान से ऊपर होते हैं उनके ऊपर इस तरह से दंड दिया जाता है या इस तरह से लाइन खींची जाती है, इसका मतलब कि ये अपने स्थान से ऊपर है, मतलब कि ये तीव्र है। अब ये सेवन एंड ये फाइव मिलकर जो संगीत विश्व है वो क्रिएट हुआ है, लेकिन इससे पहले हम आज सीखने वाले हैं जो थाट कैसे, इन्हीं में से थाटों की निर्मिति हुई है, तो थाट कैसे बने हैं इसका हम स्टडी करेंगे। सी फर्स्ट थाट, थाट है आसावरी। आसावरी में कौन से सुर है, सारे ग म प ध। अब ये जो थाट होता है ये थाट सात ही सुरों का होता है, थाट सात सुरों में ही होता है, इन्हीं बारह सुरों में से ही थाटों की निर्मिति हुई है, वो देखो किस तरह से, सारे ग। अब यहाँ पे जो ग है वो कौन सा ग है, कोमल ग, और जो ध और नी है, ध एंड नी, ये भी क्या है, ये तीन सुर जो है वो कोमल है, इस तरह से आसावरी थाट क्रिएट हुआ है। अब ये सुर इन्हीं में से जो राग बने हैं उनमें यही सुर होंगे, लेकिन कम ज्यादा या अदला बदल करके होंगे, लेकिन आसावरी थाट से बहुत सारे रागों की निर्मिति हुई है, जैसे जैसे आप सीखोगे आपके सामने वो राग आ जाएंगे। नेक्स्ट है भैरव राग। अब ये भैरव राग में क्या है, चेंज वही सुर है लेकिन चेंज क्या हुआ है, सा रे ग, रे क्या है, रे कोमल है, और कौन सा कोमल है, ध कोमल है, रे और ध। आसावरी में क्या था, ग ध नी, ये तीन सुर कोमल थे, और भैरव में कितने हैं, दो सुर कोमल है। जैसे भी आप ये गाओगे तो इनका साउंड आपको अलग अलग सुनाई देगा। सी नेक्स्ट है भैरवी। भैरवी राग में क्या है, और चेंज देखो, भैरवी राग में सा रे ग, रे ग जो है वो कोमल है, वापस धनी कोमल है। अब इसमें क्या है चेंज, रे ग धनी, चार सुर क्या है, कोमल है। नेक्स्ट है बिलावल। बिलावल इसमें एक भी सुर क्या है, कोमल या तीव्र नहीं है, ये कौन सा है, पूरे स्वर क्या है, शुद्ध है। नेक्स्ट है काफी। काफी राग में क्या चेंज है, देखो काफी में सारे ग, ग जो है वो कोमल है, और नी जो है वो कोमल है। आसावरी और काफी में क्या चेंज है, सिर्फ आसावरी में ध जो है वो ऐड है, वो कोमल है, तीन कोमल है, और काफी में सिर्फ दो है, लेकिन वो दो कौन से हैं, ग और नी। भैरव में कौन से दो कोमल है, रे और ध। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, ये पांच हो गए। नेक्स्ट
नेक्स्ट है कल्याण थाट, थाट कल्याण। अब ये जो कल्याण थाट है इसके सुर देखो, सारे ग म पर लाइन है, दिख रही है म पर लाइन यहाँ पे, म सारे ग म, म जो है वो क्या है, म तीव्र है। अब इसमें क्या चेंज हो गया, बाकी के सुर शुद्ध है लेकिन म जो है वो क्या है, तीव्र है। नेक्स्ट है खमाज, खमाज। अब इसमें क्या चेंज है, देखो सारे सुर शुद्ध है, सारे ग म प ध, नी जो है नी के नीचे क्या है, लाइन है, तो ये जो नी है क्या है, नी सिर्फ नी कोमल है, सिर्फ एक सुर कोमल है। कल्याण में कितने कोमल है, तीव्र है, मध्यम तीव्र है, और इसमें निषाद क्या है, कोमल है। अब नेक्स्ट है मारवा, मारवा में भी देखो क्या चेंज है, सा रे, रे जो है ये कोमल रे है, सारे ग म, म पे लाइन है, देखो म जो है म तीव्र है, रे और म ये दो सुर यहाँ पे चेंज है, रे क्या है, रे कोमल है और म क्या है, म तीव्र है, इसलिए ये थाट अलग बना है। नेक्स्ट है पूर्वी थाट, थाट पूर्वी, थाट पूर्वी में देखो क्या चेंज है, सा रे, रे के नीचे लाइन है, रे कोमल है, ग म, म के ऊपर लाइन है, म तीव्र है, प ध, ध क्या है, ध जो है वो कोमल है। अब इसमें क्या चेंज है, भैरव का जो भैरव थाट है, भैरव थाट में क्या है, दो सुर कोमल है, रे एंड ध, अब इसमें सिर्फ चेंज क्या हुआ है, म क्या हुआ है, इसमें तीव्र हुआ है। देखो नेक्स्ट लास्ट है, लास्ट तोड़ी। अब तोड़ी देखो, सा रे ग, रे ग के नीचे क्या है, लाइन है, तो ये दो सुर कोमल है, म के ऊपर लाइन है तो म तीव्र है, और ध, ध क्या है, कोमल है, तो यहाँ पे चार सुर, तीन सुर कोमल और एक सुर तीव्र है। इस तरह से इनको मिलाकर ही इन दस थाटों की निर्मिति भातखंडे जी ने की है। अब इन्हीं थाटों में से बहुत सारे रागों की निर्मिति हुई है, यह आप आगे धीरे धीरे सीखने वाले हो। तो फर्स्ट राग हमने सीखा था राग भूप, अब राग भूप कौन से थाट से आता है, थाट कल्याण। अब यहाँ पे सोचने की बात है कि राग भूप के सुर कौन से है, सारे ग प ध सा, सभी शुद्ध है, लेकिन यहाँ कल्याण थाट तो इसमें मध्यम तीव्र है, तो उसमें मध्यम नहीं है, तो वो फिर वो कल्याण थाट से कैसे, कि कल्याण थाट के अनुसार जो राग भूप है उसका चलन, मतलब चलने का ढंग, उसके गाने का तरीका जो है वो कल्याण थाट के अनुसार आता है, इसलिए उसको कल्याण थाट में वो उसको डाला है जो भूप राग है। आगे जो हम राग सीखने वाले हैं इसके बाद, राग दुर्गा। अब राग दुर्गा के भी सुर सेम ही है, लेकिन वो राग दुर्गा जो है वो बिलावल थाट से आता है, क्योंकि इसमें सभी सुर क्या है, शुद्ध है। इस तरह से क्लासिफिकेशन इस तरह से थाटों की गई है। फिर से एक बार ध्यान दो, और एक बार मैं आपको सिखाऊंगी कि थाटों की निर्मिति कैसे हुई। पहले आप प्रॉपरली देख लो, देखो पहला जो है वो इन्हीं कैसे बनाई, इन्हीं सुरों से, सी हर एक सुर में हर एक थाट में सुरों की निर्मिति कैसे की है इस पर थोड़ा सा ध्यान दो। जो आसावरी है उसमें ग ध, सिर्फ ये दो सुर क्या है, कोमल है, फर्स्ट जो है इसमें ग और ध, ये दो सुर क्या है, कोमल है ना। नेक्स्ट जो है भैरव, भैरव में क्या है, भैरव में एक मिनट, देखो आसावरी में क्या है, आसावरी में ग, ये जो ग है ग और
the plus me, ये तीन सुर क्या है, कोमल है। भैरव में क्या है, भैरव में रे प्लस धा, ये दो सुर क्या है, कोमल है, बाकी के सभी सुर शुद्ध है। भैरव में क्या है, भैरव में रे प्लस ग प्लस ध प्लस नी, ये चार ही सुर क्या है, ये चार ही सुर कोमल है। देखो नेक्स्ट है जो बिलावल है, इसमें सभी स्वर शुद्ध है, इसमें कोमल या तीव्र कोई भी नहीं है, सभी सुर क्या है, शुद्ध है। नेक्स्ट है काफी, काफी में क्या है, ग प्लस नी, ये दो सुर ही क्या है, कोमल है। अब देखो जो सात सुर है वो सुर शुद्ध रह के भी उनमें ये जो पांच विकृत स्वर है उनका यूज उन्होंने किस तरह से किया है और इतने दस थाटों की निर्मिति की है। अब इन दस थाटों में से ही बहुत सारे रागों की निर्मिति हुई है, इसी तरह से इस निर्मिति की गई है। अब नेक्स्ट है देखो एक भी ऐसे सेम नहीं है, जैसे कि आसावरी में ग ध नी, भैरव में रे ध, भैरवी में रे ग ध नी, बिलावल में तो बिल्कुल ही नहीं, काफी में देखो ग नी, इस तरह से ये हर एक थाट अपने अपने थाटों से अलग हुए हैं। इसी तरह से ये जो बाकी के पांच है, कल्याण, खमाज, मारवा और पूर्वी और तोड़ी, इन्हीं में भी इसी तरह से सुरों की रचना की है और उनको हर एक थाट से अलग बनाया है। इस तरह से थाटों की निर्मिति भातखंडे जी ने की है। आई होप कि आपको ये जो थाट कंसेप्ट है आपको प्रॉपरली समझ में आया होगा, फिर भी आप एक बार इस पर स्टडी कर सकते हो। थाटों के जरिए ही जो राग हम सीख रहे, इसलिए मैंने पहला राग सिखाया राग भूप, इसी पर से आपको समझ में आएगा कि इस तरह से राग भूप राग और ज्यादा रागों की निर्मिति इन्हीं थाटों में से हुई है। लेकिन ये जो थाट है ये गाए नहीं जाते, इनके जरिए जो राग बने हैं वही गाते हैं और बजाते हैं। थाटों की निर्मिति से थाट, इसका मतलब कि थाट क्या हो गया, मतलब पिता का स्थान जो है वो थाटों का स्थान है रागों में, और जो राग बने हैं वो क्या है, वो इनके बच्चे हैं, यही कंसेप्ट इसमें है। तो आज के एपिसोड में थाटों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी जैसे जैसे आगे हम जाएंगे, क्लासिकल म्यूजिक सीखेंगे, उसी तरह ये थाट कंसेप्ट आगे भी आपको आएगा। जैसे जैसे राग सिखाऊंगी तो मैं फिर से थाटों के बारे में आपको जानकारी देती रहूंगी। तो अब के लिए इतना ही, यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू।